श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री वंदो सति गुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, आशोभरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी शुभ नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साजी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं, हमारे मनीष जी कंचाल, हमारी सोनल जी देवली से, दया जी परसाला सूरत से, हमारी शेफाली जी खेत्रपाल जयपुर से, आचार्य गोपाल जी महाराज झांसी से, और हमारे श्री राजकिशन जी ग्रोवर श्री गंगानगर से, नीलांशी जी जतिन जी मेहता गुड़गांव से, मीना जी कालिंदी जी प्रणामी जयपुर से, अन्नू जी भगत फाजिलका से, निधि जी सुमन जी बत्रा गंगानगर से, और अमर जी सेठी अबोर से, हीना पटेल जी आशा परनामी जी, और हमारी गीतू परनामी जी जयपुर से वाणी चर्चा को सुन रही हैं, मीनाक्षी जी शर्मा तन्नू जी परनामी श्री गंगानगर से, आरती जी इलाहाबाद से। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ इस वाणी चर्चा का आनंद लेने के लिए धनी जी के चरणों में हाजिर हो गए हो, और आपके जो प्रणाम जी है ना, ये आपकी हाजिरी लगती है श्री राज जी महाराज जी के चरणों में, है ना, कि हम उपस्थित हो चुके हैं, हम एब्सेंट नहीं हैं, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रीजी साहिब जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक भाव रखते हैं धनी जी के चरणों में। कैसे करते थे धनी का दीदार, कैसे करते थे धनी का दीदार, खेलने हमको भुलाया है, कैसे करते थे धनी का दीदार, कैसे करते थे धनी का दीदार, खेलने हमको भुलाया।
को रुलाया है। कैसे करते थे धनी का दीदार, कैसे करते थे धनी का दीदार, खेलने हमको भुलाया है। भूली निज घर और भूली तेरा प्यार, भूली निज घर और भूली तेरा प्यार, खेलने हमको रुलाया है। कैसे करते थे धनी का दीदार, कैसे करते थे धनी का दीदार, खेलने हमको भुलाया है। एक पल जगाना एक पल भुलाना, कैसा ये अचरज दिखाया। एक पल जगाना एक पल भुलाना, कैसा ये अचरज दिखाया। एक पल है मिलना एक पल भी छोड़ना, कैसा ये सपना रचाया। एक पल है मिलना एक पल भी छोड़ना, कैसा ये सपना रचाया। भूली निज घर और भूली तेरा प्यार, भूली निज घर और भूली तेरा प्यार, खेलने हमको रुलाया है। कैसे करते थे धनी का दीदार, कैसे करते थे धनी का दीदार, खेलने हमको रुलाया है। कभी वन में जाना कभी वन से आना, कैसे थे पल वो गुजरते। कभी वन में जाना कभी वन से आना, कैसे थे पल वो गुजरते। सुख पाले बैठे धामी को देखी, चांदनी चौक उतरते। सुख पाल बैठे धामी को देखे, चांदनी चौक उतरते। जी भर भर के करते दीदार, ओ जी भर भर के करते दीदार, खेलने हमको भुलाया है। कैसे करते थे धनी का दीदार, खेलने हमको भुलाया है। हना सुंदर साथ जी, आज हम धनी जी का स्वरूप शोभा सिंगार याद कर रहे हैं ना, तो याद करने से भी याद नहीं आ रहा। बार बार चितवनी करने से, बार बार ध्यान करने से भी धनी जी का स्वरूप, धनी जी की शोभा, धनी जी की सुंदरता, धनी जी की रंग रंगीली सुंदर छवि, सब कुछ हम खेल के अंदर आके भूल गए। हना लाडले सुंदर साज, आज धनी वाणी के माध्यम से हमें याद करवा रहे हैं
श्री इंद्रावती जी की आत्म के लाडले सुंदर साथ जी, अपने प्रीतम अपने धनी के आभूषणों को देखिए, उनके स्वरूप को देखिए, उनकी शोभा को देखिए, उनके श्रृंगार को देखिए। हम एक पल भी धनी के बिना नहीं रहते थे और आज युगों के युग बीतते जा रहे हैं एक रूह के लिए, और ऐसा लगता है कि ये जुदाईगी का समय कब पूरा होगा, कब हम धनी जी के सन्मुख सामने बैठ के अपने नूर जमाल अक्षराती धाम धनी जी की स्वरूप को, शोभा को, श्रृंगार को, वस्त्र को, आभूषणों को फिर से निहारेंगे, वो पल कब आएंगे, है ना? कब वो घड़ियां आएंगी, है ना? भजन की लाइन में कहती है, कौन समावो सुहाना होगा अंगना का पिया जिसे मिलन जब होगा, कौन समा वो सुहाना होगा अंगना का धनी से मिलन जब होगा, गम सारे मिट जाएंगे आनंद ही आनंद होगा, कौन समा वो सुहाना होगा अंगना को धनी का दर्श जब होगा। है ना सुंदर साज, ये सारी बातें ना दर्द भरी सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए है लाडले सुंदर साज। ये जो दर्द है ना जुदाईगी का, ये एक निज घर की आत्म ही समझ सकती है, है ना? क्योंकि विरहागत जाने सोई, जो मिलके बिछुड़ी होए, जो मीन बिछुड़ी जल थे, या गत जाने सोई मेरे दुल्हा। बिछोड़ा क्या होता है, है ना? जुदाई क्या होती है, वो तो एक आत्म समझ सकती है, एक रूह समझ सकती है, है ना? ब्रह्म सृष्टि की खुराक है धनी जी का स्वरूप का दर्शन करना, उनके वस्त्र आभूषण को निहारना। पर लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी ने ऐसा फरामोशी का पर्दा हम 12,000 ब्रह्म आत्माओं पे डाल दिया, है ना? ऐसी हांसी फरामोशी देखी कबू ना कित। श्री इंद्रावती जी ने वाणी में कहा कि ऐसी हांसी फरामोशी, ऐसी हांसी जो हम रूहों पे हो रही है, और ऐसी फरामोशी कब देखी ना कित, कभी नहीं देखी थी। जो आज वक्त चल रहा है ना जागनी ब्रह्मांड, जागनी ब्रह्मांड के अंदर तारतम वाणी उतर के आ गई, इतनी लाइट, इतना प्रकाश, इतना उजाला धनी ने ब्रह्म वाणी से कर दिया। लेकिन लाडले सुंदर साज जी, हमारे अंतस्करण के अंदर तो आज भी अज्ञानता के अंधकार छाए पड़े हैं। आज भी हम सारी लाडली आत्माएं अपने प्रीतम को देख नहीं पा रही, और श्री इंद्रावती जी 400 वर्षों से इस ब्रह्मवाणी के अंदर वर्णन कर दिया हमारे धनी जी कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, शोभा कैसी है, श्रृंगार कैसा है, वस्त्र और आभूषण कैसे हैं। पर देखो लाडले सुंदर साज जी, भजन की लाइन में कहते हैं, फरामोशी टालने को इलम दिया तुमने, फरामोशी टालने को इलम दिया तुमने, अपनी ही नाकामियां लज्जत न ली
हमने सुबह भी जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जब से सूरज निकलता है ये मोह माया अज्ञानता की अंधेरी चल पड़ती है। प्रातः काल से लेके रात जब हो जाती है तब भी ब्रह्म सृष्टि को लगता है कि मेरा तो कुछ बना ही नहीं आज सारा दिन, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा आज सारा दिन, मैं तो खाली की खाली रह गई पूरा दिन। फिर ऐसा दिन कि फिर धनी का इश्क नहीं मिला, फिर धनी का चितवन नहीं, फिर उनके स्वरूप शोभा श्रृंगार को देखने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि सारा वक्त हमारा खाने में पीने में सोने में और संसार के अंदर एंजॉय करने में बीतता चला जा रहा है। और अब तो हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, लास्ट पीरियड चल रहा है सुंदर साज जी, और धनी जी ने सागर श्रृंगार परिक्रमा ये हकीकत और मार्फत की वाणी, जिसमें धाम धनी का साक्षात दीदार हो सकता है ऐसी वाणी हमें मिली है ना। और अपनी ही नाकामियां लज्जत ना ली हमने, जागी तो भी खेल ना छोड़ा, कोई ऐसी बन आई है। हम जागृत हैं, जागृत का मतलब हमें पता है कि हम परम धाम में मूल मिलावे में बैठ के हमारा परात्मा लतन मूल मिलावे के अंदर बैठा है और वहीं पे बैठ के हम इस खेल को देख रहे हैं, पर वो मूल मिलावा सपना लग रहा है और आज ये खेल अपना लग रहा है। इतनी बड़ी फरामोशी का पर्दा है सुंदर साज जी हम सब आत्माओं के ऊपर। अगर हम हृदय से विचार करें तो आज हमारी हालत तो देखिए क्या हालत बन गई है। समस्त सुंदर साथ के अंदर हो सकता है ब्रह्मांड की कोई टेंशन ना हो, लेकिन जो भी आत्म निज घर की होगी परम धाम की होगी, जिसका तन मूल मिलावे में अंदर बैठा है ना सुंदर साज जी, उसके अंदर हर पल हर घड़ी एक आग जलती रहती है पश्चाताप की। क्या कि मुझे 25 पक्ष परम धाम के कब मिलेंगे, मेरी रूप 25 पक्ष के अंदर अपने प्रीतम अपने धनी के साथ कब हंस विलास करेगी, मेरी रूह अपने धनी को अपने प्रीतम को कब देखेगी, क्योंकि समय तो अब चल गया आया उठने का दिन, हमारा वक्त तो निकल गया सुंदर साज और परम धाम में उठने का समय आ गया। ऐसी हकीकत मार्फत की वाणी हमें शिरजी साहेब जी ने दी, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी विचार कीजिए, हमने इतनी लापरवाहियां इस वाणी के प्रति हमने की, जो इति ही बैठे जागे घर धाम ये वाणी करवाने वाली, इन वाणी की बरकतें होत हक्का दीदार, इस वाणी की कृपा से श्री राज्य का साक्षात्कार हो सकता है दर्शन हो सकता है। ये वाणी की एक एक चौपाई, धनी जी के एक एक वस्त्र का एक एक आभूषण का हमें दीदार करा रही है ना। और फिर भी लाडले सुंदर साज जी देखिए हमारी मति को हमारी बुद्धि को, मैं तो एक बार नहीं मैं तो अपने आप को दिन में हजार बार धिक्कारती हूँ, एक बार नहीं हजार बार कहती हूँ, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को मेरे तन को मेरे मन को, याद न किया धनी धाम मेरे, दिक दिक पढ़ो मेरी
बुद्धि को जहर जिनी सो लग रही भूली आठ हो जा। इस जहर जिमी के अंदर हम आए हैं और अष्ट पहल 64 घड़ी हमारी लाडले सुंदर साची इस माया के अंदर ही बीतती जा रही है। ऐसे नूरजमाल अक्षरातीत का कि आभूषणों का वर्णन जो ब्रह्म सृष्टि है ना वो सुनेगी ना उसका तो मन करेगा कि टूक टूक कर डालूं यातन ऊपर कुंज बिहारी मैं टुकड़े टुकड़े करके अपने धनी पर वार दूं अपना आपा है ना। मेरे धनी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की कि मेरा सनमंद जोड़ लिया सनमंद मेरा तासो किया जाको निज ने चलना सो खोया मैं नींद में करके संग हराम सनमंद मेरा तासो किया मेरे सतगुरु धनी ने मेरा सनमंद जोड़ दिया जागो निज नेचल नाम जो निज है अपने जो अखंड धनी है उनके साथ मेरा सनमंद सो खोया मैं नींद में। देखिए सुंदर साथ जी हमारा पूरा जीवन ही नींद के अंदर बीत गया है ना। हम कब जाग के अपने धनी का दीदार कर सके हमने कब जागृत होके अपने धनी को घंटों बैठ के नख से लेके सिख तक उनको देखा। धनी दिखाने के लिए कितनी चौपाइयां उतार दी कि धनी जी को देखो है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी हम श्रृंगार ग्रंथ के अंदर सुन रहे हैं कि किस प्रकार से श्री इंद्रावती जी वर्णन कर रही हैं। कल हम सुन रहे थे एक देख्या हार हिरन का कई कोट सूरज उज्जास इन उज्जास तेज बड़ा फरक ए सुख शीतल जोत मिठास हार दूजा मानिका जानो उनथे अधिक शोभाए। लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामती अक्षरातीत धाम दुल्हा फरमा रहे हैं कि एक हार तो पहला हमने हीरे का देखा और कई कोट सूरज उज्जास करोड़ों सूरज का प्रकाश एक हीरे के हार में से निकल रहा है लेकिन इस प्रकाश के अंदर बड़ा फर्क है क्योंकि जो हीरों के हार में से दिव्य प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश सुख देने वाला है वो प्रकाश आत्मा को शीतलता देता है वो मीठे रस से भरा हुआ प्रकाश है। और फिर श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, दूजा हार दूजा मानिका देखो कितने सुंदर लग रहे होंगे चोली के ऊपर पांच हार कितने प्यारे लग रहे होंगे पहला हार हीरे का आया और दूसरा हार मानिका हीरा सफेद रंग का और मानिक लाल रंग का विचार कीजिए कितना सुंदर लग रहा होगा मानिक का हार पहना हुआ हीरे के हार ने अपनी इतनी ज्योति छोड़ी इतना प्रकाश छोड़ा। तो शिव जी कहते हैं हार दूजा मानिक का जानो उनथे अधिक शोभाए ऐसा लगता है कि ये दूसरा मानिक का हार है ना ये तो हीरे के हार से भी ज्यादा सुंदर शोभा दे रहा है क्योंकि लाल रंग निकल रहा है लाल रंग की लाइटें निकल रही हैं। जब लालक इनकी देखिए कहते जब मानिक की लालिमा को देखा मानिक की लालगी को देखा जानो और सबे ढम पाए लगता है कि बाकी सारा तेज और प्रकाश ढक गया। अरे मानिक का हार जो सोने के अंदर जड़ित किया हुआ सोना भी परम धाम का और सोने के अंदर मानिक जड़ित किए हुए लाडले सुंदर साथ जी और वो मानिक अखंड श्री परम धाम का वो भी अरश की जिमी से प्रकट हुआ मानिक विचार कीजिए कि वो मानिक कैसा होगा और
इस मानिक के हार ने सारी ज्योति को ही ढक दिया। जो इतना प्रकाश निकल रहा था हीरे के हार में से, और जब मानिक के हार की तरफ नजर गई श्री इंद्रावती जी की, श्री इंद्रावती जी कहते मानिक का हार देखा तो इतनी लालिमा, इतनी लालगी, इतना प्रकाश निकल रहा है। जब लालक इनकी देखिए जानो और सबे ढपाए, कहते इसकी लालिमा को तो देखो मानो सबका तेज इसके प्रकाश से ढक गया है। किसके प्रकाश से? मानिक के। आप याद रखना सुंदर साहब जी, इसी में से प्रश्न आएंगे। याद रखना, पहला हार राजजी महाराज ने हीरे का पहना है, दूसरा हार श्री राजजी महाराज ने मानिक का पहना है, ठीक है सुंदर साहब जी। तीसरा हार अंग देखिया अति उज्जल ज्योत मोतियन, श्री राजजी महाराज के गले में श्री इंद्रावती जी ने तीसरा हार देखा तो वो तीसरा हार मोतियों का हार है, और अति उज्जवल ज्योत मोतियन, और मोती में से इतनी उज्जवल प्रकाश निकल रहा है, इतनी उज्जवल शीतलता, ठंडे ठंडे मोती होती है ना, तो मोतियों का जो प्रकाश निकल रहा है, जानो सबते ऊपर यही है रोशन। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती मैंने जब मोतियों का हार देखा ना, फिर मोतियों का हार देख के लगा जानो सब थे ऊपर, और इस सबसे ऊपर यही है रोशन। अरे मोतियों ने तो इतनी रोशनी कर रखी है, इतनी उज्जवलता निकल रही है, इतना प्रकाश निकल रहा है मोतियों में से, लगता है ये सबसे ऊपर मोतियों की लाइट जा रही है ना। जब हार चौथा देखिए जानो नीलक अति उज्जास, तीसरा हार मोती का और चौथा हार नीलवी का। अब श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है कि जब हार चौथा देखिए, जब हमने चौथे हार को देखा जानो नीलक अति उज्जास, तो नीलमणि का ये हार बहुत ज्यादा नीला प्रकाश दे रहा है, एकदम नीला नीला प्रकाश, क्योंकि यहाँ का नीलम भी जो सबसे बढ़िया होता है ना, लाखों रुपए लगते हैं नीलम को देखो, है ना, जो राजा महाराजा पहनते हैं, सोचो वो उसके अंदर इतनी लाइट होती है, और ये तो अक्षरातीत नूर जमाल ने जो हार पहना है, जो विश्व ब्रह्मांड के सम्राट हैं, जो रूहों के दिल के सम्राट हैं, शहनशाह हैं, है ना, राजा हैं रूहों के दिल के, उन्होंने श्रृंगार सजा, उनका जो नीलम का हार है ना, तो श्री इंद्रावती जी कहती जानो के सरस सबंथे, ये नीलवी का जो हार है ना, ये तो सबसे अधिक आनंद देने वाला है, ए देत खुशहाली खास, ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सरस कहते हैं गुजराती भाषा में श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा सुंदर, है ना, तो कहते जानो के सरस सबंथे, अरे ये हार तो इतना सुंदर है, इतना आनंद देने वाला है। शिव जी ने कह दिया ए देत खुशहाली खास, ये तो ब्रह्म सृष्टि को खासल खास खुशियां देने वाला हार है। हार लसनिया पांचवा, और पांचवा हार लसनिया का पहना हुआ है, कछु ए सुख शोभा, और कहते लसनिया का जो हार है ना, उसकी तो कुछ शोभा ही अलग है, ये वैदुर मणि होती है, वैदुर मणि का प्रकाश सबसे अलग है। जानो ज्योत जिमी आकाश में भराए रही सब ठौर, श्री इंद्रावती जी आंखों देखा हाल बता रही हैं, साक्षात धनी जी के कंठ के अंदर पहने हुए हार का दीदार करके फिर उनका वर्णन करके हमें सुना रही हैं,
और कह रही है जानो जोत जिमी आकाश में, ये लसनिया का जो हार है ना इसकी तो जो रोशनी निकल रही है वो तो जिमी और आकाश के अंदर फैल रही है, भराए रही सब ठोर, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे इन हारों का नूर प्रकाश ज्योति दिखाई ना दे रही हो। पांचों हारों के लिए वर्णन कर दिया कि ये जो पांच हार है ना श्री राज जी महाराज के, उनका इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा है कि करोड़ों करोड़ों सूरज का प्रकाश इसके आगे ढक जाए, है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी हमारा समय हो चुका है, आइए कल हमने प्रश्न किया था कि ब्रह्म सृष्टि का आहार क्या है, तो कल की दाम सखी हैं हमारे पंजाब फाजिलका में रहने वाले हमारे शशिपाल जी, हमारे शशिपाल जी के ऊपर धाम धनी जी की अपरंपार कृपा है, वो धनी जी के इश्क और इलम के अंदर डूबी हुई आत्म है हमारे शशिपाल जी, और उन्होंने स्वयं निकसनी करके पता नहीं धनी जी को किस तरह से पाया है, और पता नहीं कितनी चौपाइयां हमारे शशिपाल जी को कंठस्थ हैं वाणी की, कितनी चौपाइयां कल उन्होंने पूरा चौपाई के साथ ही वर्णन करके बताया कि श्री राज जी महाराज का जो दर्शन है, धनी का जो दीदार है वो किस प्रकार से आत्म करती है। मैंने उनकी चौपाई ही लिखी, उन्होंने लिखा खाना पीना दीदार, रोजा नमाज दीदार, एक जाने दोस्ती हक की दुनी करी मुर्दार। चौपाई के साथ उन्होंने जवाब दिया कि ब्रह्म सृष्टि का खाना, ब्रह्म सृष्टि का पीना श्री राज जी महाराज का दीदार है, और ब्रह्म सृष्टि का रोजा नमाज दीदार, और एक जाने दोस्ती हक की दुनी करी मुर्दार, एक राज्य की दोस्ती ब्रह्म आत्माएं जानती हैं। उन्होंने तो दुनिया को मुर्दार कर दिया, ऐसे हमारे शशिपाल जी भजन भी बड़े प्यारे बोलते हैं श्री राधा कृष्ण एंड पार्टी फाजिलका में, हर जगह पे फ्री में सेवा देते हैं, जो कोई भी इनको बुलाता है हर जगह जाते हैं, और इतने सुंदर वाणी के, वाणी का गायन, भजनों का गायन और बड़ी श्रद्धा भावना प्रेम से करते हैं हमारे फाजिलका में रहने वाले शशिपाल जी, जिनको आज धाम सखी का खिताब दिया जा रहा है। परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के श्री चरणों में प्रार्थना है, धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि उनके ऊपर बातूनी कृपा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए, और आपको सतगुरु महाराज श्री जी की तरफ से, धामधनी जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और समस्त सुंदर साथ जी आप सभी हमारे श्री शशिपाल जी को बधाई देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी आप सबने पांच हार सुने हैं श्री राज जी महाराज के, ठीक है। अब सीरियल वाइज जो पांचों हार का वर्णन करेगा ना, कल का विनर, कल की धाम सखी टॉप की वो कहलाएगी जो पांचों हारों का वर्णन सीरियल वाइज करके और उत्तर देगी। श्री राज जी महाराज ने कौन से पांच हार पहने हैं हमें सीरियल वाइज वर्णन करके आपको सुनाना है, ठीक है। समझ सुंदर साथ इसका जवाब दें, फिर याद कर लें इसको, फिर जब हम धनी को एक पल के लिए आंखें बंद करके देखें तो एक पल के अंदर हमें झलक मिले कि श्री राज जी महाराज ने कैसे कैसे हार पहने हुए हैं, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी हम चौपाई दोहराएं। हारे लसनिया पांचवा कछुए शोभा और, जानो जोत जिमी आकाश में, भराए रही सब ठोर, भराए रही
सब ठौर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी जो परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के नाम पे पारायण कर रही हैं, तारतम का पाठ कर रही हैं, श्री राज श्यामा जी के नाम का जाप कर रही हैं, 4200 पौधे लगा रही हैं, ऐसे सुंदर साथ के ऊपर धनी जी की अपरंपार कृपा बरस रही है और बरसती रहे। और जो सुंदर साथ को अभी भी मैसेज नहीं पहुंचा और उनके पास नंबर नहीं है, आज भी कुछ सुंदर साथ के मेरे पास फोन आए कि हमारे पास नंबर नहीं था, मुरादाबाद से फोन आया। तो लाडले सुंदर साथ जी मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरा नंबर है 9414089015। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे।